हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ वेजिटेबल मोमोज, एकदम जूसी शाइनी, बहुत ही टेस्टी डिलिशियस। ये वेजिटेबल मोमोज हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन आया है इसमें, और ये खाने में बहुत ही जूसी और डिलिशियस हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा, और उसमें ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल, थोड़ा सा नमक, एंड फिर हम इसे गूंद लेंगे। ऑयल डालने से मोमोज में एक बहुत अच्छा शाइन आता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसका मैदा हमें थोड़ा हार्ड ही गूंदना है, बहुत सॉफ्ट नहीं करना। तो ये देखिए कितना हार्ड हमने मैदे को गूंदा है। बस इसे ऐसे ही हम लोग गूंदते रहेंगे। तो ये देखिए अब इसे कवर करके हम लोग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर मैंने वेजीज के लिए ले लिया है कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स और कैबेज। इसको ये मैं कट कर रही हूँ। कैबेज को मैं ऐसे ग्रेट कर ले रही हूँ, ये मेरे ग्रेटेड कैबेज रेडी हैं। और मैंने सारी वेजीज को भी कट कर लिया है। कैरेट को मैंने ग्रेट किया था, बीन्स और कैप्सिकम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। बस फिर मैंने डाल दिया कढ़ाई में ऑयल और डाल दिया ये कैबेज जो मैंने ग्रेट किया हुआ था, उसको कर लिया अच्छे से मिक्स। एंड देन ये सारी ग्रेटेड वेजिटेबल्स भी, बस इन सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। खाने में बहुत ही डिलिशियस, एकदम फटाफट से बन जाने वाली और सबकी फेवरेट वेजिटेबल मोमोज। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट, रेड चिली पाउडर। दैट्स इट, वेजीज रेडी है। और ये देखिए मेरा मैदा भी ऑलमोस्ट डन है। फिर मैंने मैदे के छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लिए, अब हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए शीट्स पतली ही बेलेंगे ताकि खाने में काफी जूसी सा टेक्सचर आए और बहुत ज्यादा मैदा ना लगे मुंह में। तो ये देखिए बस अब इसे कर लेंगे फिल और अपने मर्जी का शेप हम उसे दे देंगे। मैं तो नॉर्मली सिंपली इसे फोल्ड कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। बस ऐसे ही मैंने सारे मोमोज जो है वो रेडी कर लिए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही डिलिशियस बने थे, एकदम फटाफट सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही डिलिशियस। तो ये सारे मोमोज हो गए हैं रेडी, बस इन्हें कर लूंगी स्टीम और कर दूंगी फटाफट सर्व। आपके फेवरेट मोमोज कौन से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, वेजिटेबल पनीर या फिर मशरूम मोमोज। तो मैंने इसको स्टीम किया है ये इडली वाले स्टीमर में, आप चाहें तो किसी चीज में भी स्टीम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सारे फिल करके उसको अच्छे से स्टीम होने के लिए छोड़ दिया है। बस 5 से 7 मिनट बाद ही ये एकदम अच्छे से फूले फूले फ्रेश वेजिटेबल मोमोज हो गए हैं रेडी। इसे मैंने सर्व किया था शेजवान चटनी के साथ और खाने में वेरी डिलीशियस। आप देख सकते हैं ऑयल ऐड करने से कितना अच्छा सा